एक ऐसे लड़के पर आधारित है जिसे दो दो लड़कियां मिल जाती है और फिर वो कैसे उनकी केनी छेनी बनाता है, ये हम इस वीडियो में जानेंगे। मूवी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम शेडो होता है। शेडो अपने कॉलेज का एक बहुत हैंडसम लड़का है और ऑलमोस्ट सभी लड़कियां उस पर फिदा है, पर शेडो की ऑलमोस्ट एक गर्लफ्रेंड है जिसका नाम कैसिडी है और वो भी अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत प्यार करता है और ये दोनों अक्सर पार्टी में एंजॉय करते रहते हैं। एक दिन शेडो जब एक लड़की के साथ होता है तो कैसिडी को लगता है कि शेडो उसे धोखा दे रहा है, तो वो उससे लड़ती है और ब्रेकअप करके वहाँ से चली गई। हालांकि शेडो उसे मनाने के लिए उसके पास में जाता है, पर कैसिडी उसकी कोई भी बात नहीं सुनती और शेडो परेशान होकर वहाँ से चला जाता है। शेडो बहुत दुखी होता है, इसलिए वह घर नहीं जाता और पूरी रात इधर उधर भटकता रहता है। अगली सुबह वो प्लेग्राउंड में सो रहा होता है, तभी एमी नाम की लड़की उसे जगाती है। एमी भी शेडो के साथ उसके ही कॉलेज में पढ़ती है, इस वजह से उसने शेडो को तुरंत ही पहचान लिया। पर शेडो बस अपने लेवल की लड़कियों से गिरा रहता है, तो उसे और लड़कियों के बारे में ज्यादा पता नहीं था, जिसके बाद वो एमी से पूछता है कि वो इतनी सुबह यहाँ आकर क्या कर रही है, तो एमी ने उसे बताया कि वो न्यूज़पेपर बांटने का काम करती है और आज जब वो अपने काम के लिए जा रही थी कि तभी उसे शेडो पड़ा हुआ मिला। फिर दोनों यहाँ से निकलकर न्यूज़पेपर बांटते हैं, जिसके बाद शेडो एमी से पढ़ाई के लिए हेल्प मांगता है। एमी पढ़ने में काफी अच्छी थी। थोड़ी देर पढ़ने के बाद वो दोनों ही एक पार्टी में जाने का डिसाइड करते हैं। वो दोनों जब पार्टी में होते हैं तभी एमी इसी बीच उसे बताती है कि इससे पहले वो कभी भी किसी पार्टी में नहीं गई थी और ना ही उसका कोई बॉयफ्रेंड है। वो बहुत परेशान रहती है क्योंकि उसके घर में कोई कमाने वाला नहीं है और उसे ही पैसे कमाकर घर चलाना है। उसकी मॉम बीमार रहती है। उन दोनों की काफी बातें होती है। फिर शेडो उसे अपने साथ प्रॉन पार्टी में चलने को कहता है। फिर दोनों यहाँ से चले जाते हैं, पर अगली सुबह जब शेडो की नींद खुलती है तो उसे अपने इस डिसीजन से बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वह ऐसे ही किसी को भी अपने साथ नहीं ले जा सकता, जबकि वो कैसिडी से प्यार करता है। अपनी पहली वाली गर्लफ्रेंड कैसिडी से मिलने के लिए जब वो उसके घर पहुंचा तो वो उसके सामने शर्त रखती है कि पहले शेडो को सीरियस होना पड़ेगा उसके रिलेशनशिप के लिए भी और अपनी पढ़ाई के लिए भी, क्योंकि इस समय शेडो ने अपनी पढ़ाई का गुड़ गोबर कर दिया था। इस बात पर शेडो कोई भी रिप्लाई नहीं देता तो कैसिडी समझ जाती है कि वो उसके साथ इतना सीरियस नहीं है और वो काफी दुखी होकर रोने लगती है। अगले दिन एमी उसे पकड़ लेती है क्योंकि शेडो काफी समय से बेवजह उसे इग्नोर कर रहा था। वह उससे कारण पूछती है तो शेडो उसे अपनी फैमिली के साथ डिनर कराने के लिए ले जाता है। शेडो की फैमिली भी एमी को देखकर बहुत खुश होती है और सभी लोग एमी के बिहेवियर से काफी इम्प्रेस हो जाते हैं। धीरे धीरे शेडो और एमी के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है और उनकी दूरियां भी कम होती जा रही है। कुछ दिनों के बाद प्रोम पार्टी भी आ गई और प्रोम पार्टी में शेडो एमी को बहुत अच्छा गिफ्ट देता है, जिसे देखकर एमी बहुत खुश थी। पर ये दोनों जब पार्टी में पहुंचे तो शेडो की नजर पूरे टाइम कैसिडी पर थी, यह एमी भी नोटिस कर लेती है, तो वो जलस फील करके उसे बोल देती है कि वो कैसिडी के साथ डांस कर सकता है और वह उसके साथ डांस भी करने लग जाता है। एमी को यह देखकर बहुत दुख होता है, पर वह उसे कुछ नहीं कहती। पार्टी के बाद एमी उसे बताती है कि वो पढ़ाई के सिलसिले से यह शहर छोड़कर दूसरे शहर जा रही है, जहां उसे एक अच्छी नौकरी भी मिल जाएगी, जिसकी हेल्प से वो अपनी पढ़ाई और अपने खाने पीने का इंतजाम भी कर पाएगी। इस बीच कई और भी बातें होती है और हमें एक बात पता चलती है कि शेडो एक सिंगल पेरेंट है, मतलब वो अपनी मॉम के साथ रहता है पर उसके डैड नहीं है, जिस पर एमी उसे कहती है कि वह पता करे कि आखिरकार उसके डैड कौन है। शेडो भी अपनी मॉम के पास जाकर अपने डैड के लिए पूछने लगता है, पर उसकी मॉम उसे कुछ भी नहीं बताती। फिर यहाँ से शेडो सीधा अपनी बहन के घर पहुँचता है। वहाँ पहुँचकर वह अपनी बहन को बहुत मनाता है और उससे बहुत रिक्वेस्ट करता है कि वह उसके फादर का एड्रेस मुझे दे दे, जिस पर वो भी शेडो के फादर का एड्रेस दे देती है, जिसके बाद शेडो पहली बार अपने डैड से कॉल पर बात करता है और उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो उससे मिलने आए। वो भी इस पर हाँ बोल देते हैं और यह दोनों एक रेस्टोरेंट में मिलने का डिसाइड करते हैं। पर जब शेडो अपने डैड से मिलने के लिए पहुंचा तो उसके डैड अपने साथ और भी फ्रेंड्स को लेकर आए थे और सभी को शेडो से मिलवाते हैं। यहीं पर हम एक लड़की को देखते हैं जो शेडो के डैड की गर्लफ्रेंड है और जब उसे पता चलता है कि वह अपने एक्स के बेटे से मिलने आया है तो उसे बहुत गुस्सा आता है
और वो वहाँ से चली जाती है। उसे मनाने के लिए शेडो के डैड तुरंत उसके पीछे पीछे चले जाते हैं और थोड़ी देर में मिलने का बोलकर उन्हें इंतजार करने को बोलते हैं। यह लोग काफी देर तक उनके वापस आने का इंतजार करते हैं, लेकिन काफी समय बाद भी वह नहीं आते, जिस पर शेडो को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी कार में एमी को बिठाकर घर जाने लगता है। एमी शेडो को काफी परेशान देखकर उसे समझाती है और कहती है कि वो हमेशा तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार है और वो उसे प्रपोज कर देती है। लेकिन शेडो को यह लगता है कि शायद वो मजाक कर रही है, तो वो उसकी बातों को सीरियस में नहीं लेता। फिर वो शेडो के पीछे पड़ जाती है, इस वजह से उनका एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन वो दोनों बच जाते हैं। लेकिन ये देखकर शेडो काफी घबरा जाता है और वो गुस्से में एमी को सुनाने लगता है, जिस वजह से कार में ये दोनों लड़ने लगे और गुस्से में जब एमी कार से बाहर जाने लगी तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है। शेडो उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाता है और कुछ देर बाद हमें पता चलता है कि एमी का पैर फ्रैक्चर हुआ है। अगले दिन शेडो को पता चलता है कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड कैसिडी किसी दूसरे लड़के के साथ यह शहर छोड़कर जा रही है। यह उन दोनों की आखिरी मुलाकात है। पर दूसरी तरफ एमी काफी देर तक शेडो का वेट करती रहती है, पर शेडो उसके पास नहीं आता है। एमी उसे काफी कॉल लगाने की कोशिश करती है, पर वो सारे कॉल काट देता था, जिस पर एमी को भी ये बात समझ में आ गई थी कि शेडो ने उससे ब्रेकअप कर लिया है, तो वह अकेली ही उस सिटी की तरफ निकल गई। शेडो घर आकर अपनी मॉम से माफी मांगता है और उन्हें सारी बात बता देता है, जिसके कुछ दिनों के बाद वो एमी से मिलने के लिए दूसरे शहर जाता है। और जब एमी उसे अपनी सिटी में देखकर बहुत खुश होती है, और इसी के साथ यह मूवी एंड होती है।